नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय नव भारत कोल फरुखाबाद में और हमारे साथ हैं विकास दुबे जी आलू आड़ती और ये नंद किशोर जी हैं साहिबाबाद के, ये किसान हैं। और अपना क्या नाम है भैया? विपिन कुमार। कहाँ से हैं? जुजुइया। माला ही मिल गया वाला जुजुइया। अच्छा, ये भी किसान हैं। क्या अपडेट है मार्केट की इस टाइम पे, कैसे बिक रहे हैं आलू? नंबर एक आलू है 481 रुपये 71 रुपये बिद कोल भाड़े के। 481 471 नंबर एक। सेकेंड क्वालिटी? सेकेंड क्या, 6-6 जगह वाले में 400 समथिंग मानी, 400 425 रुपये। मीडियम वाले 450? हाँ, मीडियम वाले 450। और ये रेट है ख्याति पुखराज के? 37-97 वगैरह अपने यहाँ कोई बिक्री हुई नहीं अभी। 37-97 में कोई बिक्री नहीं अभी? नहीं, शुगर फ्री में तो बिक्री होगी। 37 चिप सोना क्या रेट चल रहे हैं? बहुत सुपर आलू बिका था एक लोगों का 721 रुपये। वही रेट टंगे हुए हैं चिप सोना के भी, वही बढ़िया आलू 721 रुपया। अब थोड़ा सा पैसा हो तो बिक्री हल्की है और किसान भी नहीं बेच रहा अभी। अच्छा, आई नहीं ना बेचेगा क्या? बिक्री हल्की है। किसान मूंगफली मकान लगा हुआ है ना? मूंगफली मका तो ये तो चलती रहेगी। हाँ, इसलिए आ नहीं पा रहा है। एक हफ्ते का हो रहा है बस। हाँ, एक हफ्ते तक गाँव चलेगा। लेकिन जब अगर किसान इसके बाद अगर इकट्ठा आएगा तो भी तो दिक्कत होगी फिर। हाँ, फिर दिक्कत तो आएगी भाई। तो अगर अभी सभी लोग मका मूंगफली में लगे हैं और फिर वो एक हफ्ते के बाद सभी फ्री हो जाएंगे, सभी आएंगे फिर, और फिर सभी आएंगे बेचेंगे, सभी इकट्ठे आएंगे बेचेंगे, कहेंगे भैया हमारी बेचो हमारी बेचो, तब लेने वाले कम होंगे और बेचने वाले ज्यादा होंगे। अभी आदमी को रेहियो में निकालना चाहिए। और आदमी को जो हमें है खुद है जी जी, हमने 28 रुपये के डब्बे निकाल दिए। अभी क्या था बिक रहे हैं अभी भाई? 4.5 होते 4.75 रुपये 81 रुपये अपने यहाँ आलू तो वही ख्याति बुकरा जी है खाली। चिप्सोना 7 रुपये का, चिप्सोना 700 के आसपास, बढ़िया आलू 725-700 बस, इससे ऊपर है नहीं कोई। और 37-97 अपने यहाँ कोई करता नहीं है। अच्छा, शुगर फ्री 400 विकासी क्या पोजीशन है फरुखाबाद में इस टाइम पे? विकासी कोल में लगभग 40 के आसपास पहुँच गए हम लोग, मतलब 40,000 3 लाख का सब्सिडी में 40,000 इसमें। हाँ, मतलब 10% के ऊपर निकल गए करीब। 12-14% यहाँ भैया G4 बीजा ज़्यादा पड़ा हुआ है, 40,000 का G4 पड़ा हुआ है यहाँ। अच्छा, G4 तो अभी ये ग्वालियर वाले आएंगे तभी बिकेगा। इलाहाबाद जौनपुर वाले कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद। हाँ भाई, इलाहाबाद ग्वालियर साइड के जो लोग आते हैं। अच्छा, तो ये लोग कब आएंगे G4 वाले? लास्ट में ये तो पहले आते हैं ना स्टार्टिंग में। हाँ, 208 के ग्वालियर के, ग्वालियर वाले 208 वाले, 208 वाले सबसे पहले आते हैं। वो आ जाते हैं मेरे ख्याल से वही अगस्त में ही ना, अगस्त में ही आ जाते हैं वो लोग। तो भाव में मतलब जब से कोल्ड शुरू हुए तब से भाव में सिर्फ जो है मेरे ख्याल से 50 रुपये का डिफरेंस हुआ है। शुरुआत यही खुला था। हाँ, अब शुरुआत तो यही हुई थी और इसके बाद फिर बीच में डाउन हुए, बाद में भाई बिकाउन। हाँ नहीं, बीच में डाउन हुआ और फिर बाद में ले दे के बस भाई भी पहुंच गया, यहीं से रेट खुले थे। कोई मतलब कुछ भी अंतर नहीं ज्यादा है। अंतर नहीं पड़ा ज्यादा, चांस नहीं है उठने के। अब नहीं उठेगा, गंगा में तो बाढ़ बाढ़ सब आ गई, बरसात इतनी हो गई, सब कुछ हो गया। फर्क तो सबसे पड़ता थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़े, कुछ नहीं फर्क पड़े। हरी सब्जियां स्टार्ट होने से अपने मद्दा होगा। अरे हरी सब्जियां जब मौका मिलेगा तब होगी ना। सब भैया आने लगे देखना, सब उपाय हो चुके लोग सब आने लगे, एक महीने बाद बात करना। अभी किसान बेच ले अपना, नहीं बेचना तो रखे हुए है, नहीं बेच रहा। अब वो उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब जिस रेट में हमने, यही रेट तो मंडी में बिक रहे थे,
भाई तो यही रेट, तुम 400 रुपये में, अगर 400-500 रुपये कुंतल बिक रहा था मंडी में उस टाइम पे, जब उसने डाला नहीं, जब उसने मतलब कोल्ड में डाला, बेचा नहीं, तो जब 400 रुपये के उसको वो ही दाम पड़ेंगे जाके, अगर 400 रुपया पैकेट में जाएगा 200 रुपया तो खर्चा निकल जाएगा, 250 रुपया पैकेट के दाम बचेंगे। जब 250 ना मिले फिर क्या करेगा? वो तो बाद की बात है, किसान तो रिस्क लेने के लिए रहता ही हमेशा, सभी लोग रखे रहे तो देखो जो नहीं, वो तो बात है, अगर सब लोग रखे रहेंगे कोल्ड में कटने में भी लेसन हुए, बीज अलग कटे, छत्ता अलग कटे, कहाँ जगह लाइए, जगह कहाँ से रहे। इस बार बरसात इतनी हो गई लेकिन गर्मी कम नहीं हुई बिल्कुल, गाड़ियां लोगों की दागी पहुंची हैं, पहुंच रही है दागी। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रही है आलू में, मौसम के ऊपर है, अब जो हवा पछुआ हवा चलने लगे भाई, तो अभी देखो आज हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है, हाँ मतलब जब हवा लग जाती है तो राहत है, और आप ही देखो पसीना निकल रहा है, गर्मी कितनी देती, बहुत पसीना, गर्मी मतलब इतने दिन बरसात हुई, लगातार बरसात हुई एक महीना, लेकिन गर्मी कभी कम नहीं हुई, और इसी में जो भी गाड़ियाँ गई हैं वो सब गाड़ियाँ दागी पहुँची है, पहुँची की नहीं पहुँची गाड़ियाँ, बिल्कुल। हाँ भैया, तो आलू बाहर भी बहुत मतदा है, 12-11.5 रुपए बिक रहा है, वो जब दागी पहुंचेगा तो मतदा बिकेगा ही, पूरी 11.5-12 रुपए बिक रही है। 5 दिन वहाँ रुके थे बनारस में, हर मंडी भू में, पाड़िया, कछुआ, राजा तालाब, रामनगर, सब जगह यही भाव है, 1000 से लेकर 1200 रुपए नंबर एक का आलू। अच्छा, 1000 से लेकर 1200 रुपए कुंतल, और इसमें यहाँ से भाड़ा भाड़ा लग जाएगा, भाड़ा लगेगा तो क्या बचत हो रही, कुछ नहीं, मर रही नहीं, तो अगर बचत हो तो आदमी ऊपर ले, आप नहीं ऊपर लो तो दूसरा कोई ले ले ऊपर, वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वहाँ पानी नहीं गिर रहा है, यही पानी है आपके लखनऊ के कानपुर के आसपास। अच्छा, वहाँ पे पानी नहीं है, एक घंटे पानी गिरा, हम 5 दिन रुके, वहाँ पानी नहीं है ज्यादा, और गर्मी भयंकर है। अच्छा, गर्मी, ये गर्मी ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आलू उठ भी नहीं रहे वहाँ से दुकानों, दो दो दिन गढ़ाई कब से शुरू हो जाएगी आलू की, सितंबर में देखो गढ़ाई के टाइम में आदमी नहीं रुकेगा, हाँ और क्या, अब थोड़े दिन बाद गढ़ाई का नंबर आ जाएगा, जुलाई खत्म होने वाली है, अगस्त बचा, अगस्त के बाद सितंबर में गढ़ाई चालू हो जाएगी, हमारे में बैठे काश्तकार ये बहुत जल्दी गाड़ा करते हैं, कब गाड़ने लगते है, 15 दिसंबर में आलू आ जाए मंडी में। अच्छा, नवम्बर, आप 15 नवंबर को तो आलू आ जाता है, 18 नवंबर 20 नवंबर को तो आलू आ जाता है, सबका बहुत सारे बड़े आलू आ जाते हैं, बहुत जल्दी गड़ाए थे। अच्छा अच्छा, कुछ लोग हैं जो आलू चाहे सत्ता बिके चाहे मद्दा बिके, हमारे हमारे गांव में भी एक दो किसान हैं, चाहे आलू किसी भाव बिके, चाहे आलू सत्ता हो और चाहे मद्दा हो, उनको उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है 10 सितंबर को आलू लगा देना है उन्हें, चाहे किसी भाव बिके, वो जुनून होता है आदमी का एक कि 10 सितंबर को तक, 10 से 15 सितंबर तक आलू लगा देना है, किससे क्या बताओ, पूछ तो रहे हम जो भी है भाई, तो आलू कितनों बेच लो अपनो, हमारे पास थे 7000 रुपए, 7000 रुपए 2800 रुपए के अपन निकालती है। अच्छा, और बाकी हर रेहियों में हर महीने बेचते हैं, आप तो बीज वाला भी करते हैं आलू शायद, बीज वाला भी करते हैं, सब कुछ क्या करते हैं। अच्छा, बेचने वाला भी है, अभी बीज वाला तो बीज में ही बिकेगा, और बाकी ये जो है वो तो मतलब बिक्री चालू रहेगी, बेचते रहते हर महीने बेचते। तो आपको क्या लग रहा है, बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है, आपका मन क्या कह रहा है? भाव बहुत बढ़वा दे जाने करता, जानता तो खैर कोई नहीं, जानता तो कोई नहीं है कि होगा क्या, अगर ये जान ले कोई कि होगा क्या तब तो आदमी उसी हिसाब से करे, फिर सोचे वो कभी होता ही नहीं। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, सोचे वो कभी नहीं होता है, हाँ अब सोचेंगे आलू बहुत महंगो रहे, आलू सस्तो ही है, और सोचे बिको जाए वो साल सस्तो महंगो, असल में कुदरत को कोई नहीं जानता ना, बनाने बिगाड़ने वाला है भाई, तो कुदरत को कोई नहीं जानता कि वो उसने क्या सोचा है, उसने क्या सोचा वो क्या करने वाले हैं। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।